हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिएक्जेस कोर्स। तो आज है यार हमारा 23 डे रिएक्जेस के अंदर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग रिएक्जेस में जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका टाइटल कैसे हम लोग डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट था मैं इसको सिंपली ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर। तो इसको मैं ओपन करूँगा सो मोर ऑप्शन करके, ओपन विथ कोड करूँगा एंड ये मेरा वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। वीएस कोड के ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, अपना प्रोजेक्ट को करूँगा ऑन। तो प्रोजेक्ट को ऑन करने के लिए यार मैं पैकेज रजिस्ट्रेशन पे जाऊँगा और देखूँगा कि मेरा स्क्रिप्ट क्या है। तो मेरा स्क्रिप्ट क्या है, सर्वर। मेरा स्क्रिप्ट है सर्वर, तो इसको रन करने के लिए मैं लिखूँगा npm रन सर्वर। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो रिएक्ट जेएस का डेवलपमेंट सर्वर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपका डेवलपमेंट सर्वर जो आपका ब्राउजर है डिफॉल्ट ब्राउजर जो है उस पर स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका ऐप आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरा जो यहाँ पे index.html है वहाँ पे जो आप देख सकते हो मेरा जो टाइटल यहाँ पे है, मैं इसको बंद करूँगा। और यहाँ पे आप जो टाइटल आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे टाइटल है कोड विथ 316203। इसका मैंने टाइटल क्या रखा था, पूरे प्रोजेक्ट का कोड विथ 316203। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोड विथ 316203 ऐप ऐसा करके यहाँ पे टाइटल आ रहा है। ठीक है, मैं करना चाहता हूँ इसको चेंज। मैं क्या करूँगा, मैं SRC के अंदर एक कंपोनेंट बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंपोनेंट्स, तो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाऊंगा। इस कंपोनेंट में एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा header.css, सॉरी header.js। और यहाँ पे RAFCE करने से पहले मैं इस हेडर का जो फर्स्ट लेटर उसको मैं कैपिटल रखूंगा क्योंकि मेरा ये कंपोनेंट है और ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं RAFCE करूँगा। तो यहाँ पे मुझे हेडर का एच कैपिटल करना होगा। हेडर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेडर एक फंक्शन बनाया है, उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया है। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे एक H1 लिखूंगा। H1 लिखूंगा, मैं लिखूंगा सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को मैं हटा के J6 कर लूंगा, JSX। एंड यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन नाम का बेसिकली यहाँ पे मैं उसको इनेबल कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं H1 लिखूंगा, लिखूंगा दिस इज द ऐप क्रिएटेड बाय कोड विथ 316203। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने सिंपली यहाँ पे ये कर दिया कि दिस इज द ऐप क्रिएटेड बाय कोड विथ 316203। और मैं कुछ यूएल लगाऊंगा। ठीक है, मैं कुछ यूएल लगाऊंगा, यूएल टैग के अंदर मैं li लगाऊंगा कुछ 5। ठीक है, तो li मल्टीप्लाई बाय 4 लगा देता हूँ। इसमें पहला होगा होम, दूसरा होगा अबाउट, तीसरा होगा कॉन्टैक्ट एंड चौथा मैं कर देता हूँ सर्विसेज। तो ये मेरे पास कुछ LI है, मैं यहाँ पे जाके देखूंगा तो अभी कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इस कंपोनेंट को यूज ही नहीं करा है। तो मुझे सबसे पहले इस कंपोनेंट को यूज करना पड़ेगा app.js के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इम्पोर्ट नेवबार नहीं, इम्पोर्ट हेडर मैंने इसका नाम रखा है। तो मैं लिखूंगा इम्पोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश हेडर एंड मैं यहाँ पे बेसिकली इस हेडर को करूँगा यूज। तो मैं लिखूंगा हेडर एंड इसको मैं ये हटाऊंगा और यहाँ पे सिंपली स्लैश यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैंने हेडर को बेसिकली यूज कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे देखने चाहिए, तो ये बोल रहा है कैन नॉट फाइंड फाइल हेडर डॉट जेस, डू नॉट मैच एनी करस्पॉन्डिंग नेम, डू नॉट एग्जिस्ट। तो हेडर डॉट जेस मुझे जहाँ पे इस एच को करना पड़ेगा कैपिटल। ठीक है, ये वाला हेडर एंड यहाँ पे भी मैं देखूँ तो मेरा कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कुछ सारे बहुत सारे मैंने LI जो लिखे थे 4 वो यहाँ पे आ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस LI पे लगाऊंगा
ऑन क्लिक फंक्शन, ठीक है। तो मैं सिंपली हेडर डॉट जेएस पे जाऊंगा और यहां पे मैं लिखूंगा ऑन क्लिक। जब इस पे भी क्लिक होता है, ठीक है, तो ऑन क्लिक एक फंक्शन बना दो जिस फंक्शन का नाम होगा बेसिकली मैं ये फंक्शन को यहीं पे बनाऊंगा, एक फैट एरो फंक्शन बनाऊंगा और उसमें मैं कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे कर दूंगा होम पेज, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे मैं रिलोड करूंगा एंड होम पे मैं जाके जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो टाइटल, देखना टाइटल क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। टाइटल क्या हो रहा है, टाइटल यहाँ पे चेंज हो रहा है। मैं सबसे पहले कोई एक स्टाइल में लगाऊंगा, तो मैं कंपोनेंट के अंदर ही क्या करूंगा, एक नया फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा हेडर डॉट सी एस एस, ठीक है। और हेडर डॉट सी एस एस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोल रहा है कि एक एरर आ रहा है, और ये एरर यार देखो आप जब भी कंपोनेंट में कुछ इंपोर्ट करने के बाद चेंज करोगे ना तो ये एक एरर आएगा। इसको सॉल्व कैसे करना है, आप यार वीएस कोड बंद कर दो, वीएस कोड बंद कर दिए, आप यहाँ पे फिर से इसको उस प्रोजेक्ट को फिर से ओपन करो। मैं उस प्रोजेक्ट को फिर से ओपन करूँगा, मेरा फर्स्ट नाम का प्रोजेक्ट था, मैं इसको वीएस कोड में फिर से ओपन करूँगा, मैं अपने वीएस कोड करूँगा, तो देखो यार अब आपका एरर नहीं आएगा, अब आपका एरर नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना सर्वर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि जब आपने वीएस कोड को ऑफ करा तो आपका सर्वर भी यहाँ पे ऑफ हो गया था। तो मेरा डेवलपमेंट सर्वर फिर से स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो तो मेरा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया है। तो मैंने जो हेडर डॉट सी एस एस लगाया था उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं बोलूँगा कि जितने भी मेरे एल आई हैं, जितने भी मेरे एल आई हैं मतलब यू एल के अंदर जितने भी एल आई है उसमें क्या करूँ, उसमें मार्जिन दे दो 10 पिक्सल का, मतलब उसमें कुछ गैप हो, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं उस पे जाके सिंपली जब भी अपना कर्सर लेके जाऊँ तो वहाँ पे क्या हो जाए कि लिस्ट स्टाइल को मैं कर दूंगा नन नन, ताकि ये जो पॉइंट्स पॉइंट्स आ रहे थे वो नहीं आए। तो लिस्ट स्टाइल टाइप होता है, लिस्ट स्टाइल टाइप को मुझे नन करना है, तो उसे ये पॉइंट पॉइंट हट जाना चाहिए। और उसके बाद मैं सिंपली टेक्स्ट डेकोरेशन रन करूंगा, नन और उससे पहले मैं हेडर डॉट जेएस में इसको इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो इस स्टाइल को आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो आपको इंपोर्ट करना है डॉट स्लैश हेडर डॉट सी एस एस, उसके बाद आपका सी एस एस यहाँ पे इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। आप इसके कलर को सिंपली चेंज कर सकते हो अगर आपका मन है तो। मैं इसके कलर को कर दूंगा सिंपली ब्लू कर दूंगा, फॉन्ट साइज में थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे कुछ स्टाइल लगा रहा हूँ जिससे आपको ये कम से कम पता चला है कि यार स्टाइल अगर आपको लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हो, ठीक है। और मैं क्या करूँगा सिंपली मैं इसमें दे दूंगा एक फॉन्ट फैमिली में लगा सकता हूँ, फॉन्ट फैमिली विल बी ये रख देता हूँ। एंड फॉन्ट फैमिली लगाने के बाद मैं कहना चाहता हूँ यार कि इसका कर्सर जो है वो पॉइंटर लगे, मैं जब भी इसके पास ले जाऊँ तो आप देख सकते हो अभी ये कर्सर पॉइंटर दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका एक समझ लो एक लिंक है जो कि आपका टाइटल को चेंज करता है ना, आपका यहाँ कंटेंट को चेंज करता है। तो आप जब होम पे क्लिक करोगे ना तो आपका क्या होना चाहिए, पेज आपका जो टाइटल होना चाहिए वो होम पेज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो मैंने ये कैसे चेंज करा। तो जो डॉक्यूमेंट और टाइटल होता है ना, डॉक्यूमेंट और टाइटल आपको ये बेसिकली प्रोवाइड करता है कि आप कहीं भी डॉक्यूमेंट और टाइटल लिख के आप अपने पेज का टाइटल चेंज कर सकते हो रीएक्जेस के अंदर। मैं लिखना चाहता हूँ यार कि होम पेज एंड कोड विथ त्रिभुवन 6003, ठीक है। मैं इतना जो है ना ऑन क्लिक वाला जो है मैं यहां से लेके यहां तक नहीं, मैं यहां से लेके बेसिकली ऑन क्लिक फंक्शन को मैं करना चाहता हूँ कॉपी। तो यहां से लेके इतना तक मैं इसको करूंगा कॉपी एंड यहां पे मैं कर दूंगा पेस्ट। तो मैंने ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ भी लग दिया और मैं रखूंगा होम पेज डॉट होम पेज, ये मेरा अबाउट पेज होगा,
एंड देन यहाँ पे भी मैं रखूँगा, और ये मेरा कौन सा पेज है, ये मेरा है कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट पेज। एंड यहाँ पे ये मेरा सर्विसेज पेज है, तो मैं यहाँ पे सर्विसेज पेज, और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको रिलोड करूँगा सिंपली। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, कोड विथ 3603 ये आ रहा है। मैं सिंपली होम पे क्लिक करूँगा तो ये होम पेज कोड विथ 3603 आएगा। अबाउट पे क्लिक करूँगा फिर अबाउट पेज कोड विथ 3603 आएगा। कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करूँ, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट पेज कोड विथ 3603 आएगा। और मैं जब सर्विसेज पे क्लिक करूँगा तो सर्विसेज पेज कोड विथ 3603 आएगा। ठीक है, तो ऐसे करने करके आप बेसिकली यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जो आपका टाइटल है आप उसको डायनेमिकली चेंज कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही यार, जो हम लोग का DXJS का कोर्स है उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।